एक देश एक विधान का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लिए उसका ही एक नया कानून मुसीबत बन चुका है। 1 सितंबर से लागू हुए कानून के तहत हजारों की राशि के चालान काटे गए, जिससे कई राज्य सरकारें सतर्क हो चुकी हैं। कई राज्य सरकारों ने कानून में संशोधन कर जुर्माना राशि को ही घटा दिया है और इन राज्यों की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के राज्य ही अव्वल हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के इस नए कानून के तहत जुर्माना राशि 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए या 10,000 रुपए तक बढ़ा दी गई। नया कानून लागू हुआ तो 25,000 से 1,00,000 रुपए तक के चालान की खबर आने लगी तो राजनीतिक पार्टियों की तीखी बहस शुरू हो गई। आम लोगों के बीच चालान को लेकर मची हलचल के बीच राज्य सरकारों ने इस कानून का ही एक जुगाड़ निकाल लिया और इस फॉर्मूले की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात ने की। राज्य के मुखिया विजय रूपाणी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जुर्माना राशि में कटौती का ऐलान किया और कई जुर्मानों में राशि को 90% तक घटा दिया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार को चिंता है कि कहीं बढ़ी हुई राशि आगामी विधानसभा चुनावों में वोटों की संख्या न घटा दे। बता दें कि झारखंड जल्द ही विशेष सत्र बुलाकर केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर सकता है। तो वहीं हरियाणा ने भी 45 दिनों का जागरूक अभियान चलाने की बात कही है। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में चुनाव है, इसलिए जुर्माना घटाने के फैसले को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। उत्तराखंड ने 90% जुर्माना राशि को कम करने का ऐलान कर दिया तो वहीं कर्नाटक की ओर से भी अभी विचार करने की बात कही जा रही है। इन राज्यों के अलावा भी कई बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जहां नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अभी भी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं हुआ है। सिर्फ बीजेपी राज्य ही नहीं बल्कि कई विपक्षी पार्टियों के राज्यों ने भी इस कानून को लागू नहीं किया है। नितिन गडकरी की गिनती उन मंत्रियों में की जाती है जो हमेशा कुछ नया फार्मूला सामने लाते हैं। गडकरी सड़क बनाने में नई तकनीकी लाते हैं, लाइसेंस बनाने के लिए नए फॉर्मूले लाते हैं और अब ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए गडकरी नया नियम लाए तो अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल कर कानून में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन बात तो साफ है कि सत्ता का सुख भोगने के लिए कई बार अपनी पार्टी के नेता ही बागी बन जाते हैं। बने रहे अखंड भारत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।